लेट अस कंटिन्यू लेसन नंबर 3, पेज नंबर 35, कंटिन्यूएशन ऑफ द लेसन, पेज नंबर 35. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. फ्लोरिंग मीन्स सर्फस. दे वेर बेकनिंग टू हिम. बेकनिंग मीन्स कॉलिंग. बेकनिंग टू हिम, कॉलिंग shrilly. Shrilly means loudly. He dropped his legs to stand on the green sea. Dropped means put down. समुद्र के ऊपर पैर रखने का कोशिश किया. His legs sank into it. Legs डूब गया पानी में. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो डर गया. उससे बचने के लिए उठने का कोशिश की. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. Flap ने फटफड़ाना. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. वैसे मालूम है कुछ खाया नहीं था, भूखा था, कमज़ोर पड़ा, इसलिए वो कोशिश सफल नहीं हुआ. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea. उसका फीट समुद्र के पानी में डूब गया. एंड देन हिज बेली, उसके बाद उसका पेट, बेली यानी स्टमक, टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर. जैसे उसका बॉडी पेट टच हो गया उसके बाद वो डूबा ही नहीं. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, इसमें बहता गया. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके चक्कर काट के उसके परिवारजन उसको उकसा रहे थे. प्रेसिंग हिम एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. सब उसको कुछ न कुछ खिलाने का कोशिश किया. स्क्रैप्स यानी टुकड़े, डॉग फिश यानी शार्क, एक तरह का मछली यूं ही समझ लो. एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपना पहला उड़ान सफल किया, पहला उड़ान चालू किया. सेकेंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन. द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक जो जानते होंगे, एरोप्लेन अभी तक देखा नहीं है तो किताब में एक छोटा सा एरोप्लेन दे रखा है, वो देख ले. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. चंद्रमा निकला. एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. तारे दिखने लगे. देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई. मौसम बिल्कुल साफ. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कंट्री साइड मीन्स विलेज. मैं बहुत खुश था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं मेरा डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था वापस इंग्लैंड की तरफ, फ्रांस से. एरोप्लेन का नाम पूछ सकते हैं, वो कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था. डकोटा का स्पेलिंग उल्टा पुल्टा करके, हाँ, डी ई के ओ टी ए, डी आई के ओ टी ए, डी ए के आई टी ए, डी ओ के ई टी ए, ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा ऑप्शन देता है, तो स्पेलिंग भी साथ साथ सीखने. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. फ्रांस से इंग्लैंड की ओर आ रहे थे. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली. सोचा था मैं अभी जल्दी पहुँच जाऊँगा, फिर परिवार के साथ हॉलीडे मनाऊँ. आई लुक्ड एट माई वॉच, 1:30 इन द मॉर्निंग. टाइम देखा रात के 1:30. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट.
मुझे अभी पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क करना पड़ेगा। पेरिस फ्रांस के कैपिटल है। आज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज मीन फ्रंट साइड, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, बड़े शहर के लाइट दिखाई दे रहे। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 ईयर, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हेयर मी, आप सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088 आई कैन हियर यू, तुरंत उसको जवाब मिले, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। यू ऑट टू टेन 12 degrees वेस्ट नाउ DS088 ओवर, आपको तो वहाँ से कितने 12 degree वेस्ट की ओर टेन आउट करना, नोट करके डाल दो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अच्छा क्वेश्चन। आई चेक्ड द मैप एंड द कॉम्पस, मैं मैप देखा कॉम्पस चेक किया, इसको कॉम्पस पढ़ते हैं यहाँ लोग कंपास पढ़ते हैं, जैसे हमारे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी एक है ना कंपास, उसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन कॉम्पस है। ये तो मरीनेस कॉम्पस है, पता होगा लैब में गया तो देखा होगा, वो कैसे लैब में लेके नहीं जाता वो और क्लास में दिखाते भी नहीं, तो देखेंगे कैसा। इसको मरीनेस कॉम्पस कहता है, वो एक ऐसा मशीन है उसमें एक सुई है, वो सुई कहाँ भी मोड़ के रख दो तो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते, उस नॉर्थ को देखे पर बाकी डायरेक्शन खुद को अनुमान लगाना पड़ता है। ये अधिक से प्लेन में और समुद्र में यात्रा करने वाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको दिशा तो पता नहीं पड़ता, वो किसी से पूछ भी नहीं सकता है। एक एरोप्लेन रोक के दूर है, दूसरा एरोप्लेन का पायलट से पूछेंगे तो कौन सा डायरेक्शन है, नहीं जहाज बोट रोक के किसी और यात्री से नहीं पूछ सकते कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं। सड़क में तो पूछ सकते हैं कोटा कहाँ, कोटा जाने के रास्ता कहाँ है, वो जाने के रास्ता कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, तो पता रहता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है ये तो एक ही मशीन बता सकते हैं, दैट इज नोन एज मरीनेस कॉम्पस। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड द लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न्ड द डकोटा 12 degree वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, जैसे मुझे आदेश मिला वैसे मैं देख लिया, फ्यूल भी चेक किया, तेल है या नहीं, ईंधन है या नहीं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, तो सोचा हाँ तो मैं पहुँच सकता हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम तक। ये गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बिल्कुल ओके, आराम से मैं जाके मस्ती से ब्रेकफास्ट ले सकता है। पेरिस वॉज अबाउट 150 kilometers बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जाते जाते मैं क्लाउड्स देखने लगा, तो मैंने जांच करके देख लिया कि मैं पेरिस छोड़ के 150 kilometers आ गया है। स्टॉर्म क्लाउड्स, बादल बहुत तेजी से आ रहे, दे वेर ह्यूज, बड़े, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, सामने पहाड़ जैसा मुझे दिखाई दिया। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दम, मुझे उसका ऊपर से निकलना पड़ेगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दम टू द नॉर्थ और साउथ, उसको पार करके या चक्कर काट के आगे बढ़ने का इतना ईंधन भी नहीं है। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा वापस चले जाऊँ, लेकिन घर की जो ब्रेकफास्ट की याद उसको मजबूर कर ली। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, कोई बात नहीं तूफान में मैं चलाऊँगा, मैं रिस्क लूँगा, डेंजर लूँगा, खतरा मोड़ लूँगा।
अगर ब्रेकफास्ट या खुद वहां पहुंचना है तो सीधे जाना ही पड़ेगा, ज्यादा चक्कर काट के रह भी नहीं सकते क्योंकि ईंधन नहीं है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादल के अंदर सब कुछ काला दिखने लग गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, प्लेन के बाहर की तरफ देखा कुछ दिखाई नहीं दी। द ओल्ड एरोप्लेन जम्पड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एरोप्लेन चक्कर काटने लगा, उल्टा पुल्टा होने लग गया, ऊपर नीचे होने लग गया। आई लुक्ड एट द कॉम्पस, मैं कॉम्पस देखने लगा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइस, मैं मेरा आइस को विश्वास कर नहीं पाए। द कॉम्पस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, कॉम्पस खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, कोशिश करें तो भी काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड, और इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, रेडियो चेक करके देखा। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, देयर वॉज नो आंसर। दोबारा वो कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिली। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बंद था इसका मतलब। आई हैड नो रेडियो, नो कॉम्पस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, पता नहीं, कॉम्पस नहीं है और रेडियो नहीं है, मैं कहाँ हूँ ये पता नहीं है, मैं तो तूफान में फंस गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तो अचानक मेरे साथ साथ एक और एरोप्लेन आया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स ओन, इसमें कोई लाइट भी नहीं। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन स्टॉर्म के बीच में मैं इतना महसूस कर लिया, हाँ मेरे साथ एक एरोप्लेन और है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवर्ड्स मी, पायलट का चेहरा तो मैं देख सकता क्योंकि मेरे ऑपोजिट में था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, एक और आदमी दिखाई देने से मुझे खुशी हुई। होता है ना, डर मार के अकेले जाते जब कोई सहारा मिल जाए तो बातें करने से क्या हो जाता है, डर मिट जाता है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता पड़ गया कि मैं तूफान में फंस गया। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरा मदद करना चाहते। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा प्लेन के आगे वो बढ़ने लगा। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, वो इसलिए किया क्योंकि मैं उसको देखे देखे उसका पीछा करे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ओबीडियंट चाइल्ड गया जैसा मैं उसका पीछा पीछा गया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे तक वो मेरे आगे आगे चला। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, फ्यूल चेक किया, मुश्किल से 10 मिनट के लिए बाकी है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, वो नीचे जाने लगा, मैं भी उसका पीछे पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, बस इतना ही हुआ कि मैं बादल से बाहर आ गया और मेरे सामने दो लाइट दिखाई दिया। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का ट्रैक था वो, रनवे मीन्स ट्रैक। आई वॉज सेफ, मतलब मैं सुरक्षित हो गया। टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, दोस्त को देखना शुरू की। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली। देर वॉज नथिंग देर, आसमान ने कुछ दिखाई नहीं दिया। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन भी गायब हो गए।
आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं बहुत कोशिश किया दिखाई नहीं दी। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं तो बस नीचे उतरा। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं सीधे कंट्रोल रूम में गया जानकारी लेने के लिए। मेरे साथ एक प्लेन था, एक पायलट को मैंने देखा, वो कौन था। I wanted to say thank you, मुझे उसको धन्यवाद कहना है क्योंकि उसकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच गया। She looked at me very strangely and then laughed, वो मुझे अजीब सा देखा और हंसने लगा। Another aeroplane up there in this storm, इसी तूफान में दूसरा aeroplane, no other aeroplanes were flying tonight, आज दूसरा कोई भी aeroplane उड़ान नहीं भरा। And yours was the only one I could see on the radar, radar से मैं केवल आप ही का aeroplane देखा और कोई aeroplane देखा ही नहीं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank, फिर कौन था वो जिसने मुझे मदद किया जिसके पास कॉम्पस भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, फ्यूल भी नहीं है, फिर वो कौन था मुझे मदद करने वाले। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था वो फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, बिना लाइट अंतरिक्ष में उड़ने वाले ये कौन सा, ये मेरे को समझ में नहीं आया। आपको भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी समझ में नहीं आया एरोप्लेन कहाँ से आया। कभी कभी मुसीबत का टाइम है हमें ऐसा लगता है कि ये कौन है, क्या है, कैसा है, ऐसा कुछ हो सकता है। इट वॉज एन इमेजिनेशन, और उसके घर के पहुंचने का सोच में वो सब कुछ भूल गया होगा, जो बातें हो रहे थे हकीकत चल रहे थे उनको ऐसा लगा। कभी कभी हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाते, इस तरह के कन्फ्यूजन में पड़ जाते, मैंने क्या देखा। कभी कभी कमरा खोलते समय ऐसा लगता है कि उसका अंदर कोई सांप, थोड़ी देर बाद देखा तो कोई सांप है ही नहीं, तो हम देखेंगे ये इधर हो गया होगा, इधर हो, पलंग नीचे हो, कहीं ना कहीं है। अब उसको ढूंढने लग जाते, आखिरी में सभी डांटते पागल हो गया, तो कुछ भी नहीं है, तो फालतू। ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन में कभी कभी आ जाता, ऐसे एक माहौल इधर भी आया। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे पता नहीं है, आपको भी पता नहीं, लेकिन परीक्षा में पूछा है तो आपको लिखना पड़ता है कि कौन था, वो कहाँ से आया, कैसा था, क्या है, क्या है, ये सब इमेजिनेशन होगा या कुछ ऐसा बात आगे होगा। यू थिंक अबाउट इट, आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट, द पर्सन हु इज मेकिंग द क्वेश्चन पेपर विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट एंड ही हैज टू मेक ए क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन विल कम, वी हैव टू गिव द आंसर। ये नहीं बोल सकते नहीं ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो फालतू फालतू बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन आपने कहाँ देखा, कैसे देखा तो हम लिखे ही नहीं, आया था ही नहीं तो फिर कहाँ देखे, लेकिन अपन को लिखना है। तो बस चलते चलते बस रास्ते में आ गया, अब क्लाउड भरा हुआ था तो अचानक तूफान, मैं वापस जाने का कोशिश किया लेकिन सोचा तो मेरे को घर पहुंचना है, इसलिए रिस्क पार करके मैं तूफान पार करने का कोशिश किया, तो मुझे ऐसा लग गया मैं तूफान में फंस गया। लेकिन इट वॉज क्लियर दैट द स्टॉर्म वॉज देयर, क्योंकि कंट्रोल रूम में पहुँचने के बाद लेडी भी बोला था कि बस ये तूफान में कौन उड़ान भरते, सबको बंद करके रखा होगा, लेकिन आप आकाश में था इसलिए आपको नीचे आना था, इसलिए आपने खुद मेहनत करके इसी हिम्मत से किसी का हेल्प मिल रहे मुझे तो उसी का सहारे में नीचे पहुंच जाऊं। पर्याप्त फ्यूल भी था लेकिन आपको लगा तो वो फ्यूल है ही नहीं आपका, बस जो ये कॉम्पस सही, रेडियो सही, सब कुछ सही था, लेकिन आपको ऐसे लगा कुछ भी नहीं है, सही नहीं हो सकता है, सपना हो। कभी सपना भी देखते ना अपन, खुद ही प्लेन उड़ाते, गाड़ी चलाते, वैसे आगे जाके गड्ढे में पड़ जाते, ऐसे कुछ हो, कुछ भी संभव है। क्वेश्चन जिस जैसे आएंगे वैसे तो करने का कोशिश करना, हमारा मेंटल डेवलपमेंट वही करना, तो हमारा माइंड का सोचने का कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको फाइट करके इसका आंसर करने की कोशिश करना। सॉल्व, read the lesson as much as you can and try to understand the meaning and what is going on with the lesson. Okay.